I'll join through my Sorry, I guess I'll join through my mobile, I phone. guess. Yeah, if you want to show something, Dr. Saab, if you want to show the PPT, then I guess you'll have to log in from your laptop. No, she's I mean screen sharing is possible through mobile as well, but I don't know, Okay. it's not. Happening. Yeah. So So what should I do? you want to try through the laptop? Yeah, I'll try through my mobile. Your laptop, you mean? My mobile. You've signed through your mobile, right? No, I've signed through my iPad. I'll get back to my mobile. Oh, you're perfect. Yeah. All right. We're right here. Meanwhile, you can continue. I'll just get back. Okay, cool. तो डॉक्टर साहब जो है वो अभी कुछ पीपीटी का दिक्कत आ रहा है तकनीकी, तो वो उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। वो वापस अभी वो कर देंगी। तो सवाल जो है अपने तैयार रखिए। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, हमेशा ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो अगर आपको ये कॉल्स जो हैं ये यूट्यूब पे भी जाएंगी, हमारे चैनल्स पे जाएंगी, फेसबुक पे जाएंगी, तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप दिखें वहां पे, तो प्लीज अपना वीडियो ऑफ रखिए, क्योंकि ये कॉल कैमरा जो ओनली है वन टू हैज ओनली वीडियो व्हाट्स दैट। लेस पीपल ओन देयर वीडियो हाँ, वेरी लेस पीपल। आई या बिकॉज ये मैं हमेशा बता देता हूँ पहले से ही ना कि भाई कॉल जो है रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर नॉट मेनी पीपल आर कंफर्टेबल शेयरिंग वीडियोस, तो इसीलिए तो ये जो कॉल है ये एक्चुअली इसका रिकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर साहब के साथ भी शेयर करेंगे हम लोग। और आज जो है हम बात करेंगे डी एडिक्शन के बारे में, ठीक है। निलार का आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका जो भी डाउट है वो हम बिल्कुल उसको जो है डॉक्टर साहब से पूछेंगे। लेकिन जैसा मैंने बोला कि कॉल का एक फ्लो रहता है, तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आई होप यू आर यू डू अंडरस्टैंड हिंदी। द कॉल इज गोइंग टू बी बायलिंगुअल, विल ट्राई टू कीप इट बायलिंगुअल एज पॉसिबल, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस इज हिंदी स्पीकिंग, सो हिंदी स्पीकिंग एंड हिंदी कॉम्प्रिहेंडिंग, सो वी गॉट टू कीप इट मेजोरिटी प्रिडोमिनेंटली द कॉल इज गोइंग टू बी इन हिंदी। डॉक्टर साहब अभी आ रही है, बस उनका शायद नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पाती है पीपीटी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देंगे। ये दिक्कत होती है भाई। चेक विद नीरज। नीरज कैन यू हियर अस नाउ? सॉरी, शी सेइंग समथिंग। यस डॉक्टर साहब। सो आई एम सेइंग आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग, ओके, हाँ, एंड लेट मी विजिबल। नो इफ इट्स या इफ इट्स ओके. वी कैन सी योर पिक्चर। इज इट विजिबल नाउ? आई कैन सी योर पिक्चर, वी ऑल कैन सी योर पिक्चर। इट्स अ पिक्चर ऑफ यू इन अ ब्लू ब्लू ब्लेजर। Oh. हम्म, Now? इट्स स्टिल योर पिक्चर डॉक्टर। Okay, I don't know what's happening. ओके, दैट्स I ऑलराइट, have इट started हैपेंस। screen sharing, I don't know. Perhaps what I could do, like if you can send me your PPT, I will share it, and then you can sort of, Okay. yeah. So you can send it to me on the Gmail. I'm giving it to you on WhatsApp. Okay, I'm sending it to you via WhatsApp itself. Okay. Okay, perfect. Yeah. Send it to me through WhatsApp. Oh, we can see your screen now. Okay, now it's visible. Yeah, it's visible. Yes. Okay, fine. Oh, absolutely. Yes. Thank you very much. Yeah, you can go ahead, doctor. We can see you. I think everybody can see it, right? Awesome. Yes, it's visible. I guess you'll have to tilt the mobile a bit, but yeah. So आज हम लोग बात करेंगे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के बारे में. बेसिकली जो डिफरेंट ऐसे साइको एक्टिव सब्सटेंस हैं, ऐसे ड्रग्स हैं जिसके लिए हम लोगों को एडिक्शन डेवलप हो जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो नंबर वन, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर
कितना ज्यादा प्रेवलेंट है, इसका कितना ज्यादा यूज होता है दुनिया भर में. तो अगर हम लोग बात करें, चाहे वो कोई भी दूर दराज का एरिया हो, चाहे हम लोग ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें, या फिर हम लोग वेल डेवलप्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, चाहे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया की बात करें, कहीं की भी हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर किसी ना किसी तरह का नशा किया जाता है किसी फॉर्म में. बहुत सारी जगहों पर, जैसे मैंने बताया कि ट्राइबल पॉपुलेशन में कुछ चीजें होती हैं जो कल्चरली एक्सेप्टेड होती हैं, जो पूरी कम्युनिटी शेयर करती है, जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको यूज, या फिर जो भांग का यूज है, ये यहाँ पर कल्चरली एक्सेप्टेड है. पूरी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, ये इसको शेयर करती है. दोनों ही हमारे जेंडर्स, एंड इनफैक्ट अभी हम बाकी के जेंडर्स जो हमारे LGBTQ कम्युनिटी के जेंडर्स हैं, जो कम्युनिटी है, उसके बारे में भी हम लोग इन डिटेल बात करेंगे. बट मेल्स, फीमेल्स एंड इवन अदर जेंडर्स को ये इक्वली अफेक्ट करता है. हर रेसेस में, हर रिलीजन में, हर कंट्री में ये पाया जाता है. और स्पेसिफिकली जो ये हमारे ड्रग्स हैं, इसका यूज जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं, हमारी LGBTQ कम्युनिटी है, उसमें बहुत सारी स्टडीज और बहुत सारे सर्वेज जो हुए हैं, उसमें अच्छी खासी तादाद में देखा गया है. तो अगर हम लोग एपिडेमियोलॉजी, आई मीन प्रेवलेंस की बात करें, तो हम लोग के इंडिया में जो सर्वे हुआ था, उसमें भी ये देखा गया था कि ओवरऑल इन द जनरल पॉपुलेशन अल्कोहल का यूज 4.6% 4.6% था. मतलब 100 में से लगभग 5 लोग अल्कोहल का सिर्फ सेवन नहीं, बल्कि उनमें अल्कोहल का एडिक्शन था. उसी तरह से अगर हम लोग कैनाबिस यानी कि भांग, गांजा, इन सब की बात करें, हम लोग ओपियोइड्स यानी कि जैसे अफीम, चरस, ये सब चीजें होती हैं, इसकी बात करें, या जो इनहेलेंस, इनहेलेंस जैसे कि जिन पदार्थों को सूंघ के हाई या नशा लिया जाता है, उसका जो तादाद है वो 1.1% है. बात करते हैं हम लोग LGBTQ कम्युनिटी में, तो ये बहुत ही गौरतलब करने वाली बात है कि लगभग 20 से 30% लोग जो हमारे LGBTQ कम्युनिटी के हैं, उनमें सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर देखा जाता है. सब्सटेंस यूज, ना सिर्फ सब्सटेंस यूज बल्कि एडिक्शन लेवल का यूज उनमें देखा जाता है. और इसमें से लगभग हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें से 1/3 से ज्यादा लोग मारियाना यानी कि भांग, गांजा या उसके जो और हशिश, हैश ऑयल, इस सब का यूज इस्तेमाल करते हैं. और लगभग 9% जनता जो है हमारी, वो LGBTQ कम्युनिटी की, वो ओपियोइड का सेवन करते हैं. ओपियोइड जैसे कि मैंने बताया, अफीम, चरस, इन सब चीजों का. और अल्कोहल का सेवन 12% लोगों में होता है. अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें LGBTQ कम्युनिटी में, तो एक तो नंबर 1 जो है इसमें अल्कोहल यानी शराब का जो इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा देखा गया है. इसके अलावा बाकी के जो हमारे ड्रग्स हैं, उसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा गया है. और हमारी जो कम्युनिटी है, उसको ये जो भी सब्सटेंस है, इसको छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है. इसके साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ये लोग काफी लंबे समय तक इन सब चीजों का, इन नशों का सेवन करते हैं. तो अब बात आती है एडिक्शन की. एडिक्शन है क्या? मतलब हम लोग जैसे नॉर्मली नॉर्मल पार्लेंस हम लोग यूज करते हैं, व्हाट इज एडिक्शन, तो ये है क्या? तो अगर टेक्निकली हम लोग बात करें, तो कभी भी अगर कोई इंसान शारीरिक और मानसिक तौर पे किसी भी ऐसे सब्सटेंस पे, ऐसी चीज पे निर्भर हो गया है, जिसकी जिसके ना मिलने पे उसको दिक्कत होती है, शारीरिक दिक्कत और मानसिक दिक्कत, जैसे कि चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, या फिर शारीरिक दिक्कतें जैसे कि कंपन होना, सर दर्द होना, बदन दर्द होना, इस तरह की परेशानियां महसूस होती हैं. और जिसको लेना आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसके बिना आदमी रह नहीं सकता है, वो उसको कंटिन्यूअसली चाहिए ही चाहिए. और वो अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ वो जो चीज है उसको लेने में, उसको उसके बारे में सोचने में ज्यादा लगा देता है. और बाकी की लाइफ में उसकी जो भी एक्टिविटीज रहती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है. उसकी पूरी की पूरी जो लाइफ रहती है वो सिर्फ इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है. तो कारण क्या होते हैं सब्सटेंस यूज के? हालांकि हम लोग और भी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जैसे कि नंबर 1 तो आता है हमारे जेनेटिक, जो हमारी
अनुवांशिक कारण रहते हैं. अगर मान लीजिए माता पिता में सब्सटेंस यूज या एडिक्शन का पोटेंशियल है, ये लोग ड्रग अब्यूज करते हैं, तो बच्चों में इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. उसी तरह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं, चाहे वो इंसान का व्यक्तित्व हो जिसको हम लोग पर्सनैलिटी बोलते हैं. कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं जो जो लोगों को रिस्क टेकिंग का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, जो लोग कुछ नया नया ट्राई करने का हमेशा सोचते हैं, उन लोगों में अल्कोहल और बाकी सब्सटेंस को अब्यूज करने का पोटेंशियल ज्यादा होता है. ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि वो लोग जो गरीबी में रहते हैं, जिनके पास इजी एक्सेस रहता है सस्ते नशे करने का, ऐसे लोगों में भी जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारे ड्रग्स हैं, उसको यूज करने का पोटेंशियल बढ़ जाता है. साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनमें किसी ना किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी रहती है, तो उनमें भी ये सब्सटेंस लेने का या ड्रग एडिक्शन होने का संभावना बढ़ जाता है. अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर किसी ने मान लीजिए ये कोई भी सब्सटेंस, कोई भी नशे का पदार्थ लेना स्टार्ट किया, लेकिन उसको छोड़ना हमारे लिए क्यों उतना मुश्किल हो जाता है. तो इनिशियली जब भी कोई इंसान कोई भी नशा लेना शुरुआत करता है, तो वो आउट ऑफ प्लेजर, आउट ऑफ पीयर प्रेशर, आउट ऑफ नोवेल्टी, उसको लगता है कुछ थ्रिल चाहिए लाइफ में, उसके दोस्त उसको प्रेशराइज करते हैं, उसको लगता है कि इसको लेने से शायद हमें अच्छा लगेगा, जो क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है, उसको लेके उसकी वजह से ये ट्राई करना स्टार्ट करते हैं जब फर्स्ट बार कोई भी इंसान कोई ड्रग लेता है. बट धीरे धीरे हमारी बॉडी वो न्यूरोकेमिकल लेवल पे, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे, ब्रेन के मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारी बॉडी इसके ऊपर निर्भर हो जाती है. और फिर एक समय ऐसा आता है धीरे धीरे करके, जब हम लोग हो सकता है पहले हम लोग एक ग्लास अल्कोहल लेते हो, एक ग्लास आजन की 50 ml अल्कोहल लेते हो, फिर धीरे धीरे करके 100 ml में भी हमें उतना हाई नहीं फील होता है, ये कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है. एंड फिर जब कोई इंसान इसको छोड़ने की कोशिश करता है कि ठीक है मैं आज से शराब नहीं लूंगा या आज से मैं स्मोक नहीं करूंगा, तो फिर उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, यानी बिकॉज हमारी बॉडी पूरी की पूरी तरह से उस पर निर्भर हो चुकी है. अब अगर हम लोग वो चीज नहीं लेते हैं जिसकी हमारी बॉडी आदी हो चुकी है, तो हमारे अंदर क्योंकि ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे चेंजेस आए थे, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स के फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है. फिर हमें वही सब में, जैसे मैंने बताया कि चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, नींद नहीं आना, इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं. और फिर और स्पेशली अगर हम लोग बात करें ओपियोइड्स यानी कि अफीम वगैरह के बारे में, तो इसके जो विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं, दे आर वेरी ट्रबलसम. इसकी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत भयंकर बदन दर्द होता है, सर दर्द होता है, आपको लूज मोशंस होते हैं, आपके नाक से आंख से पानी गिरता है, तो ये सब जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा आपको परेशान करने वाले रहते हैं. तो आदमी अब इन सिम्टम्स से बचने के लिए उसको मजबूरी में वो सब्सटेंस लेना पड़ रहा है. तो जहां पर उसने क्यूरियोसिटी में, जिज्ञासा में, पीयर प्रेशर में, मजे के लिए स्टार्ट किया था, अब ये उसकी मजबूरी बन जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं लेगा तो फिर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं. तो अब जैसे बात आती है कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें हमें एडिक्शन कॉज कर सकती हैं, तो नंबर वन पे आता है अल्कोहल. जो जो हमारा अल्कोहल यूज है, शराब किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बियर हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बियर शराब ही नहीं है, बट एक्चुअली चाहे वो बियर हो, चाहे वो स्पिरिट्स हो, चाहे वोदका हो, चाहे वाइन हो, हर तरह जो भी अल्कोहल है उसमें पोटेंशियल रहता है आपको अपना आदि बनाने का. सिमिलरली इसके हम लोग कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे. कुछ कुछ ऐसे नींद की दवाएं रहती हैं जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं आपको, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उसकी आदत हो जाती है, तो बिकॉज इनमें पोटेंशियल रहता है आपको एडिक्ट बनाने का. तो अगर आप डॉक्टर के परामर्श के बिना ये दवा लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस पे निर्भर हो जाते हैं, फिर आपके लिए इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो कोई कुछ कुछ ऐसे भी लोग आते हैं हमारे पास जो अल्प्राक्स की 40 गोली 50 गोली ले रहे हैं, उनको रात में फिर भी नींद नहीं आती है, तो इतना ज्यादा उनकी बॉडी अडाप्ट हो जाती है ओवर इयर्स, क्योंकि वो लोग 10 साल से 20 साल से बिना किसी डॉक्टर के सलाह के ये मेडिसिन लेते रहते हैं. तीसरा आता है आपका ओपियोइड, जैसे मैंने बताया कि भी अफीम एंड ऑल स्टिमुलेंट्स. स्टिमुलेंट्स ये काइंड ऑफ इट इज वन ऑफ दोज एक्सपेंसिव ड्रग्स जो थोड़े से पार्टीज में, एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी पार्टीज में यूज होते हैं, रेव ड्रग्स इसको बोलते हैं.
ये बेसिकली क्या करता है, आपको बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है, आपको एक्साइटमेंट लेवल आपका बहुत बढ़ा देता है, तो और आपको बहुत अच्छा फील होता है इसको लेने के बाद. तो इनिशियली तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपकी बॉडी को बहुत इन्यूमरेबल तरीके से हार्म भी करता है. जैसे एम्फेटामीन हो गए, मेथामफेटामीन हो गए, क्रिस्टल मेथ वगैरह, तो ये उसकी कैटेगरी में आता है. कोकेन अगेन, इसको लोग अलग अलग तरह से, कुछ लोग सूंघ के लेते हैं, कुछ लोग जला के लेते हैं, हफिंग स्नफिंग एंड ऑल. अगेन बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है, और जो एक बार इसका आदी हो जाता है तो उसके लिए फिजिकल साइकोलॉजिकल हार्म तो होता ही है, जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसकी उसकी फैमिली का, दैट इज ऑल्सो क्वाइट ट्रबलसम. बहुत नुकसानदेह रहता है पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि इसका मात्र कुछ जो आपका मिलीग्राम रहेगा वो कुछ हजारों में आता है, और इसका जब एडिक्शन होता है इंसान के लिए तो वो अगेन छोड़ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. टोबैको लीगल है, बट कंटिन्यूस यूज फिजिकल साइकोलॉजिकल फाइनेंशियल हर तरह का हार्म कॉज करता है. एंड अगेन इसको अगर आप च्यू करते हैं, चबाते हैं, या फिर स्मोक करते हैं, चाहे वो चिलम में भर के हो, चाहे वो सिगरेट में हो, चाहे वो बीड़ी में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो उसका एडिक्शन पोटेंशियल का काफी हाई होता है, और लोगों के लिए इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. हैलुसिनोजेंस की बात करें तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने एलएसडी का नाम सुना होगा, जो अगेन एक रेव वाली जो ड्रग रहती है वो है. और इसमें आदमी को, जैसे ये ड्रग लेने के बाद आपको अलग अलग चीजें दिखाई देने लगेंगी, सुनाई देने लगेंगी, और आपकी अलग ही दुनिया हो जाएगी जो रियलिटी से एकदम अलग हटके होती है. तो इसके, और ये कुछ कुछ मशरूम्स में भी पाया जाता है, तो ये हेलुसिनोजेंस है. कैनाबिस जैसे कि इंडिया में भांग के फॉर्म में होली पे भी कल्चरली यूज किया जाता है, बट इसका जो दूसरा फॉर्म है, चाहे वो हम लोग गांजा की बात करें, चाहे इसका हैश ऑयल, हशिश वगैरह की बात करें, तो इसके से फिजिकल डिपेंडेंस इतना नहीं होता है, बट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाता है कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए. भले ही इसको आप एकदम से बंद करोगे तो आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आएगा. एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी हम लोग ट्रीटमेंट की, ऑफ कोर्स हम लोग आगे बात करेंगे, बट जब ट्रीटमेंट की बात होती है तो जो भी को एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक इलनेस हमारी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो सब्सटेंस लेते हैं उनमें, मतलब लगभग 40 से 50% लोगों में किसी ना किसी तरह की मानसिक बीमारी रहती है, तो उसको ट्रीट करना भी उतना ही जरूरी है. क्योंकि हम लोग अभी आगे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारी साइकेट्रिक इलनेसेस हैं, जैसे चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी हो, चाहे वो स्किजोफ्रेनिया की बीमारी हो, उसमें जो इंसान रहता है वो अपनी इस बीमारी से एक एस्केप ढूंढने के लिए इन सब दवाओं का, इन सब ड्रग्स का सेवन करता है, और फिर धीरे धीरे करके उसका आदी भी हो जाता है. सो ये एक बहुत ही ब्रीफ ओवरव्यू था हमारी डिफरेंट सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स का. एंड बाकी ओवर टू यू अभ्युदय, यू कैन कंटिन्यू विद इट, एंड सो दैट आई कैन यू नो फर्दर. Sorry, I kept speaking and didn't realize that the microphone was on mute. So, Dr. Sahab, actually, you can stop sharing because we can see your phone now. So, Okay, yeah, I'm so sorry. that's all right. Okay, great. Okay. So, fantastic. I think बहुत ही बढ़िया ओवरव्यू दिया डॉक्टर साहब ने एडिक्शन के ऊपर. और ये जो भी सवाल आप लोगों के हैं वो पहले हम लोग पूछेंगे डॉक्टर साहब से जो हमारे पास आ चुके हैं पहले से ही. और उसके बाद जो है हम आप लोगों को भी जो जो भी सवाल आपको पूछने हैं वो आप पूछ सकते हैं फिर डॉक्टर साहब से वन बाय वन. मरन फॉर यू, सी द कॉल इज बायलिंगुअल, विल ट्राई टू कीप इट एज बायलिंगुअल एज पॉसिबल. द पीपीटी वाज मोस्टली इन इंग्लिश, सो व्हाटएवर डॉक्टर साहब एक्चुअली एक्सप्लेन वाज merely elaborating what was already there on the screen. All right, but if you have any questions now, this is going to be a question answer session. So if the questions are asked in Hindi, obviously Dr. Saab is going to answer in Hindi. But if there is anything that you think that you've missed out on, you can always get in touch with me on the main group, and I'll be more than happy to explain it to you. And I'll also forward Dr. Paul Prasad's number to you. You can get in touch directly with her as well. All right, Maran. One more thing. I Mm-hmm. speak Tamil as well, so if Maren needs help, I can translate for him as well. So Perfect. that's an option. Perfect. All right. Thank you very much. I really appreciate that. Thank you.
Okay, so now we're going to start the question answer session. Dr. Saab, I've just put everybody on mute, so I think you'll have to unmute yourself. Doctor, please unmute yourself. So I'm asking you to unmute. Yeah. All right, okay. All right, so पहला सवाल जो है डॉक्टर साहब से वो ये है कि डॉक्टर साहब जो शुगर एडिक्शन होता है, शुगर एडिक्शन क्या कॉग्निटिव इश्यूज को जन्म दे सकता है क्या? शुगर एडिक्शन और योर 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 म्यूट अगेन. आर यू बीइंग प्रॉम्प्टेड टू अनम्यूट? सी आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट. Okay, if people promise that they are not going to interrupt in between and it's a request, I'm requesting you, please do not interrupt while the question answer session is going on. Once it is open for your questions, I will let you know. You can raise your hands, unmute yourself and ask questions. Please, please do not interrupt in between because it just interrupts the entire flow of the call. All right, so I'm just unmuting everyone. You have the right to unmute yourself, but please do not unmute yourself right now. Thank you very much. Doctor, please unmute yourself now. All right, yeah. Perfect. So doctor, जो sugar issues होते हैं, sugar addiction जो होता है, क्या उससे cognitive issues हो सकते हैं क्या? I think उससे पहले भी आपने कुछ question पूछा था regarding sugar addiction itself. बस यही क्वेश्चन था डॉक्टर साहब कि अगर, क्योंकि शुगर एडिक्शन को तो एडिक्शन मानते ही नहीं है ना लोग, बट उससे भी कॉग्निटिव इश्यूज हो सकते हैं, राइट? एक्चुअली शुगर एडिक्शन इज अ काइंड ऑफ यू नो कंट्रोवर्शियल इशू एज फार एज द साइंटिफिक फ्रेटर्निटी इज कंसर्न. तो अगर हम लोग बात करें कि शुगर एडिक्शन है क्या, तो जब भी हम लोग ये देखा गया है, जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, या एंजाइटी या कुछ इमोशनल इश्यूज से डील कर रहा होता है, तो उसको किसी तरह का कंफर्ट फूड की जरूरत रहती है. ये कंफर्ट फूड उनको कुछ हाई कैलोरिक इनटेक के फॉर्म में, या तो वो हाई मतलब फैटी फूड हो, या हाई कैलोरिक एज इन हाई शुगर कंटेंट वाला फूड हो, तो वो ये लेने की कोशिश करता है. और ये भी देखा गया है कि जो हमारा ब्रेन का पाथवे जो हमारा एडिक्शन के दौरान एक्टिवेट होता है, सेम पाथवे हमारा जब हम लोग शुगर लेते हैं तब एक्टिवेट होता है. तो जो इंसान मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं सिगरेट पीती हूँ, तो मैं अगर सिगरेट पी के जो मुझे हाई मिलता है, तो शुगर लेने के बाद भी मुझे सेम फीलिंग आएगी, उसी तरह का हाई, उसी तरह का रिवॉर्ड सिस्टम मेरा एक्टिवेट हो जाता है. तो डेफिनेटली तो इस तरह से कुछ लोगों को शुगर पे डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है, वो क्रेव करते हैं शुगर के लिए. बट लॉन्ग टर्म में इसका कॉग्निटिव इफेक्ट एज सच बहुत ज्यादा अभी तक, बिकॉज इसमें जितनी भी स्टडीज हुई हैं उसमें लॉन्ग टर्म स्टडीज बहुत ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन इसका कॉग्निटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है. हाँ, ये तो है कि एक्सेसिव शुगर इनटेक से हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जरूर होते हैं, चाहे वो ओबेसिटी की हम लोग बात करें, चाहे वो हार्ट रिलेटेड इशूज की बात करें, चाहे हम लोग इसके अलावा लाइफस्टाइल जो भी डिजीजेज रहती हैं, चाहे डायबिटीज हो उसकी बात करें, तो इन सब में प्रॉब्लम डेफिनेटली आ सकती है. बट कॉग्निशन यानी ब्रेन लेवल पे शुगर एडिक्शन से आज सच कोई नुकसान नहीं होता है. ओके, परफेक्ट. ओके, सो एक डॉक्टर साहब क्वेश्चन जो है, जो मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को पता चले, बहुत जरूरी है, कि एक आप जैसे सिगरेट पी रहे हैं, जैसे आप 3-4-5 सिगरेट एक दिन में पीते हैं, या आप यू आर अ डेली ड्रिंकर, आप रोज ड्रिंक करते हैं, मे बी 2 पैग्स अ डे 3 पैग्स अ डे, तो एक एक चीज का इस्तेमाल करना एडिक्शन कब बनता है डॉक्टर? When does it turn to addiction? Okay, तो एक चीज होती है substance use, एक चीज होती है substance abuse, जो कि term अभी kind of obsolete हो गए हैं, अभी ये terms नहीं use होते हैं, अब भी हम लोग use करते हैं substance use disorder rather than addiction या substance abuse या substance misuse. तो कब हम लोग इसको normal terminology में addiction कब बोलेंगे? इसका कुछ criteria रहते हैं. जैसे for example, अगर कोई इंसान कोई एक पर्टिकुलर ड्रग कोई भी एक पर्टिकुलर चीज ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिगरेट ले रहा है, वो दिन की एक सिगरेट ले ले रहा है, एक दो दिन नहीं भी लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है,
चौथे पांचवे दिन किसी ने बोला, किसी ने प्रॉम्प्ट किया, उसने एक और सिगरेट ले लिया, एंड दैट इज द पैटर्न, दैट इज इट. ये आपका आप जस्ट उसको कभी कभी इस्तेमाल कर ले रहे हैं, दैट इज इट. अगर कोई इंसान इसके कॉन्ट्ररी, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको दिन में सिगरेट चाहिए ही चाहिए, अगले दिन अगर वो सिगरेट नहीं लेता है तो उसकी वजह से उसको जैसे विड्रॉल सिम्टम्स मैंने बताया, एंग्जाइटी होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, अंदर से रेस्टलेस सा फील करेगा, उस रात को नींद नहीं आएगी, ट्रेमर्स होने लगेंगे, इस तरह के विड्रॉल सिम्टम्स हम लोग जिसको बोलते हैं वो सब आने लगते हैं. इसके अलावा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ जो इंसान पहले एक सिगरेट पीता था या उसका एक सिगरेट में काम चल जाता था, अब उसको दो सिगरेट चाहिए, कुछ समय के बाद तीन सिगरेट चाहिए, और ऐसे जो कंजम्पशन है उसका वो धीरे 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 करके एस्केलेट करता रहता है. वो सेम पे कभी स्टैग्नेंट नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा, चाहे वो सिगरेट की बात हो, चाहे वो अल्कोहल की बात हो, चाहे वो कॉफी की बात हो, या जिसकी भी बात हम लोग कर रहे हैं. तो वो धीरे धीरे टॉलरेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर अमाउंट का, एंड आपको उससे ज्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है. इसके अलावा अगर आपका ज्यादा से ज्यादा समय उसको उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को किसी तरह हमें हम ये कैसे हम प्रोक्योर कैसे कर पाएंगे, हम इसको कैसे खरीदेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है तो अब क्या करना है, क्या हमें चोरी करना है, किसी से उधार मांगना है, तो सारा का सारा हमारा समय जो है सिर्फ इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. इसके अलावा जैसे मान लीजिए बहुत अंदर से हमें उसकी इंटेंस क्रेविंग होगी, जैसे हम लोग बैठे हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक अर्ज आ रही है कि हमें चाहिए ही चाहिए, और उस समय उस अर्ज को दबा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अगर ये सारे क्राइटेरिया टेक्निकली अगर ये फुलफिल करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो एडिक्शन के लेवल तक का पहुंच चुका है. बट अदरवाइज जैसे मैंने बताया, अगर मान लीजिए इसमें से वो आराम से अपने जो भी सब्सटेंस ले रहा है, जो भी अल्कोहल ले रहा है या सिगरेट ले रहा है, उसको कंट्रोल कर पा रहा है, कि अगर मान लीजिए आज नहीं भी मिल रहा है तो इट्स एब्सोल्युटली ओके. अगर आज उसको उस नहीं लिया तो कोई विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उसको कुछ अंदर से बेचैनी नहीं हो रही है, उसको इंटेंस क्रेविंग नहीं होती, ऑल ऑफ अ सडन की बैठा है एंड देन उठ को उसको जाना ही जाना पड़ेगा, तो इस तरह के अगर सिम्टम्स नहीं है तो फिर वो एडिक्शन में नहीं आएगा. अच्छा डॉक्टर साहब, जो भी एडिक्शन होता है, वेदर इट्स शुगर और कैफीन और अल्कोहल और सिगरेट, टोबैको, जो भी है, इनके अलग अलग होते होंगे, बट कुछ जो नॉर्मल लॉन्ग टर्म इनके जो इफेक्ट्स होते हैं, क्या वो सेम होते हैं और क्या वो इररिवर्सिबल होते हैं? ओके, सबके जितने भी सब्सटेंस होते हैं, सबका जो इफेक्ट रहता है वो फिजिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे अलग अलग होता है. उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट अलग अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अल्कोहल की बात लेते हैं, उसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट में जैसे ऑफ कोर्स किसी ने तुरंत तुरंत अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उसका जजमेंट इम्पेयर्ड रहेगा, उसका मोटर इनकोऑर्डिनेशन मतलब ठीक से ड्राइव नहीं कर पाएगा, ठीक से चल नहीं पाएगा, देयर विल बी स्लरिंग ऑफ स्पीच, ठीक से बोल नहीं पाएगा, और उसका बाकी जो भी स्किल्स रहेंगे वो सब में इंपेयरमेंट रहेगा. दिस इज अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट. जो अगले दिन सो के उठेगा ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन. अगर हम लोग इसी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपके फिजिकली तो आपको हार्म डेफिनेटली करता है. जैसे फॉर एग्जांपल चाहे वो आपका लिवर हो, उसको हार्म करेगा, चाहे इनफैक्ट अल्कोहल इज वन ऑफ दोस सब्सटेंस जो ऊपर से नीचे तक आपके जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो आपका ये फूड पाइप हो, चाहे वो आपका स्टमक हो, लिवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, जितने ऑर्गन्स आपको पता है, हर एक एक ऑर्गन को वो हार्म करता है. एंड इसमें से कुछ चीजें होती हैं जो इरिवर्सिबल होती हैं. स्पेशली अगर हम लोग लिवर डैमेज की बात करें तो जब भी लिवर की बात आती है तो उसमें तीन स्टेजेस रहती हैं, जिसमें एक स्टेज आती है जहां पर लिवर डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है, लिवर सिरोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दैट इज द इरिवर्सिबल स्टेज ऑफ लिवर डैमेज. तो ऑफकोर्स दैट इज एन इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट. कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें अगर बहुत लंबे समय से कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसकी डिमेंशिया नाम की बीमारी, मतलब की जैसे भूलने की जो बीमारी होती है, वो डेवलप हो सकती है, एंड अगेन विच इज इरिवर्सिबल. इसके अलावा बहुत सारी जगहों का कैंसर, जैसे कि आपका ईसोफेगस का कैंसर, आपका स्टमक का कैंसर, आपका लिवर का कैंसर, ये सब ऑफ कोर्स दिस इज इरिवर्सिबल. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो इरिवर्सिबल हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें रिवर्सिबल भी हैं. जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से आपका कुछ पेरिफेरल न्यूरोपैथी या इस तरह की जो भी चीजें रहती हैं वो रिवर्सिबल हो जाती हैं. बट एंड इसके बाद अगर हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग की बात करें तो अगेन उसमें कुछ कुछ चीजें रहती हैं जो रिवर्सिबल रहती हैं. इरिवर्सिबल में फॉर एग्जांपल आपका अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स वो कॉज करता है. ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये आपका आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करता है.
जो क्रॉनिक स्मोकर्स रहते हैं उनमें कुछ डिमेंशियाज रहते हैं वो देखने को हमें मिलते हैं, उनमें स्ट्रोक का इंसिडेंस काफी हाई रहता है, मतलब स्ट्रोक मतलब जो पैरालिसिस रहती है उसका इंसिडेंस हाई रहता है. तो इस तरह की चीजें इररिवर्सिबल जो डैमेज हमें देखने को मिलता है वो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग रहता है. Correct. Okay. Thank you very much, Doctor Saab. So basically, Maran, for you in two lines, what Doctor Saab said was that most of the toxic substances have different ramifications, whether for short-term use or the long-term use. And most of them actually result the long-term irreversible ramifications are cancers of different sorts, right? And the short-term could be the loss of minerals, but that they are reversible as well, like with good diets and stuff and leaving it for a short time, you can actually reverse it, right? Okay, all right. I just have to do it, Dr. Bo. South India se jude hain. So agla sawal hai ki ye agar pooch rahe hain ki ye caffeine se addicted hain to ekdam se chhode ya dheere dheere karke chhode aur kyun? Okay. कैफीन या फॉर दैट मैटर कोई भी एडिक्शन हो अगर, तो हमें कभी भी एकदम से उसको नहीं छोड़ना है. बिकॉज जैसे मैंने बताया, जब भी हम लोग कोई सब्सटेंस बहुत लंबे समय से ले रहे होते हैं, कुछ साल हो गए या कुछ महीने हो गए कंटिन्यूसली हम लोग वो सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं, तो डिफरेंट लेवल्स बॉडी में डिफरेंट लेवल्स पे चेंजेस आते हैं. स्पेशली जब ब्रेन के सिनैप्टिक लेवल पे चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी काइंड ऑफ हमारा ब्रेन काइंड ऑफ उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, तो बिना उसके वो फंक्शन नहीं कर पाता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कुछ कुछ नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो एंड दीज यू नो दीज सब्सटेंसेस विच वी अब्यूज, इनको ये इन केमिकल नेचुरल केमिकल्स को मिमिक करता है, चाहे वो डोपामिन हो, चाहे वो नॉरएपिनेफ्रिन हो, चाहे वो सेरोटोनिन हो. तो इस तरह से डिफरेंट हम लोग केमिकल जो लेते हैं वो उसको मिमिक करता है, एंड इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसको अडाप्ट हो जाती है. नाउ इफ वी ट्राई एंड लीव इट एज एन अब्सटेन फ्रॉम इट ऑल ऑफ अ सडन, हम लोग ने एकदम से अल्कोहल लेना बंद कर दिया, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज जो हमारे रिसेप्टर्स जो हमारे नो डिफरेंट चेंजेस हुए थे, अब नाउ ऑल ऑफ अ सडन आपकी बॉडी उसके हिसाब से फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी ने किसी और तरह से अडाप्ट कर लिया है खुद को फंक्शन करने का. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज उसके एब्सेंस में हमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, बट एकदम से छोड़ने पे हमारी बॉडी उसको नहीं एडजस्ट कर पाती है. तो इसीलिए हमेशा हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आइडियली तो डी एडिक्शन शुड ऑलवेज बी डन इन अ यू नो इंस्टीट्यूशन, एक सेंटर पे होना चाहिए, बट इफ समबडी इज ट्राइंग टू कट डाउन ऑन एनी सब्सटेंस तो उसको एकदम से बंद नहीं करना चाहिए, उसको ग्रेजुअली. फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज कंज्यूमिंग 20 सिगरेट्स अ डे, कोई इंसान 20 सिगरेट एक दिन का ले रहा है, तो उसको एकदम से ऐसा नहीं कि कल तक 20 सिगरेट ले रहा था और आज एकदम से बंद कर दिया. I mean, it is not possible. वो patient relapse करेगा ही करेगा. तो आपको क्या करना है कि वो 20 cigarette से आप उसको come down करोगे 18, then after 3 days probably 16. ऐसे धीरे धीरे gradually taper off करना है. आपको एक अपना target set कर लेना चाहिए कि after 2 months I'm going to bring down my cigarette consumption from 20 to probably 5-6-2 whatever it is. और उसके बाद धीरे 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 करके जब आप 4-5 पे आ गए, उसके बाद आपके लिए और इजी हो जाता है, बिकॉज आपका मोटिवेशन अंदर से रहता है, एंड देन इट इज इजी फॉर यू टू कट डाउन कम्प्लीटली. तो इसलिए दैट इज वाई इट्स ऑलवेज सजेस्टेड कि एकदम से अब्रप्टली कभी भी किसी भी सब्सटेंस को लेना बंद नहीं करना चाहिए. एंड दैट इज वॉट हैपन्ड जब आपने ये एक बार बिहार में ऐसा हुआ था, ओवरनाइट देयर वाज एन अल्कोहल बैन, एंड उसके बाद इतने सारे पेशेंट्स जो अल्कोहल की वजह से, क्योंकि उसका विड्रॉल बहुत इट इज वेरी फेटल, तो उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की डेथ भी हुई थी, बिकॉज दे डिडंट हैव एनी एक्सेस टू अल्कोहल एंड वो कॉम्प्लिकेशन में लैंड किए थे, एंड एंड हेंस इवन ड्यूरिंग यू नो कोविड के टाइम पे व्हेन देयर वाज नो अल्कोहल अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल, तो अ लॉट ऑफ देम वर डीलिंग विद ऑल दीज विड्रॉल सिम्टम्स. तो इसलिए मतलब ऑफ कोर्स गवर्नमेंट डजंट अंडरस्टैंड ऑल दीज टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बट ऐसे एकदम से यू कैन नॉट बैन एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस. करेक्ट राइट. So for de-addiction, Maran, Dr. Saab is saying that it should always start gradually. English, yeah. Right. You did, as a matter of fact. Yeah, you did. All right. So we can simply move on to the next question, I guess. Should I rephrase Maran's question? We can do that later, Nilarka. Thank you very much. Dr. Prasad, next question is, how can we decrease the intensity of cravings? मतलब जो craving होती है, जैसे आप addicted हैं, जब cigarette पी रहे हैं, जैसे निकुंज बोल रहा है यहाँ पे, वो उसको cigarette पीना है तो पीना ही है, तो उसको कम कैसे करें?
हाँ बेसिकली इसके लिए जब भी आप कोई सब्सटेंस लेते हो वो आपका एक कोपिंग मैकेनिज्म रहता है टू एस्केप फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेस. आपकी लाइफ में आपका बहुत हेक्टिक डे गया है, आप घर पे आते हो, यू टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, आपको अच्छा लगने लगता है. सो बेसिकली इट इज अ फॉल्टी कोपिंग मैकेनिज्म. तो यू शुड डेवलप सम पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल अगर आप शाम को थक के आए हो तो यू शुड टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, आप घर वालों से बात करो, आप टीवी देखो, आप बच्चों के साथ खेलो, आप इफ एट ऑल पॉसिबल आप बाहर वॉक पे निकल गए. तो इस तरह से आपका जो ब्रेन है आपका जो ये सिग्नल देता है कि नहीं सिर्फ अल्कोहल या इस तरह का कोई सब्सटेंस लेने से ही आप बेटर फील करोगे. तो आई मीन बेसिकली यू हैव टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. दूसरी चीज है कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ व्हाई अ पर्सन रिजॉर्ट्स टू ऑल दी सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर. तो इसलिए हमेशा यू नो स्ट्रेस को कम करने का द बेस्ट थिंग पॉसिबल इज एंड द चीपेस्ट मेथड पॉसिबल इज मेडिटेशन. आप मेडिटेशन करिए, उसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल है इट ऑटोमेटिकली कम्स डाउन. एंड ऑफ कोर्स इट हैज टू बी कंसिस्टेंट. अगर आप रेगुलरली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो जो मन की पॉजिटिविटी रहती है वो बढ़ती है, आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो नीचे आता है, एंड आपको फिर सिगरेट लेने का या एल्कोहल लेने का जो अंदर से इच्छा रहती है वो कम हो जाती है. बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू कि स्ट्रेस की वजह से ही बहुत सारे लोग ये सब चीजें लेने का कोशिश करते हैं. इसके अलावा अगर यू नो आपको जितना ज्यादा आप खुद को लिमिट करते हैं उस मतलब उस चीज को एक्सेस करने से लिमिट करते हैं वो भी आपके क्रेविंग को या आपके सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर को कम करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने घर में पहले से ही स्टॉक करके रखे हुए हैं कि आपके पास 4 बॉटल अल्कोहल पड़ा ही हुआ है तो at any hour of the day कि आपको पता ही है कि वो है मिल ही जाएगा. So that is why I mean जिस चीज से भी आप avoid करना चाह रहे हो तो you should keep it away. और you know we always try to avoid queues. जैसे for example कोई particular जगह है जहाँ से you know there is a beer shop या alcohol shop है तो you know avoid that way. या अगर आपके कुछ ऐसे friends हैं जो आपको बार बार इस चीज के लिए force करते हैं या मतलब kind of pressurize करते हैं तो avoid all those friends. So I mean this is how you can kind of decrease the consumption of alcohol. Correct. Okay. Thank you so much, doctor. That was a lovely answer. अच्छा अब ये बताइए हमको कि जो addiction जो होते हैं वो किस तरह की mental illnesses को जन्म दे सकते हैं. So addiction, what various mental illnesses that they can lead to, like hallucinations or depression or anger issues, वो कैसे होता है? Okay. So alcohol consumption, even cannabis consumption, opioid consumption, जो भी ये drugs हैं, long term में इनका mental I mean they give rise to some kind of a mental illness. Especially अगर हम लोग alcohol की बात करें तो like initially तो हमें लगता है कि हाँ हमारी life में tension है, हमने alcohol ले लिया and everything is sorted out. But long term में alcohol is a known depressogenic. आपको over a period of time अगर आप alcohol लेते हो तो the person lands up in depression. उसको depression की बीमारी होती ही है. And of course it gives rise to a lot of anxiety disorder. If सिर्फ हम लोग alcohol की बात करें, alcohol के long term use से एक particular type का डिमेंशिया भी डेवलप होता है. उसकी वजह से हैलुसिनेशंस अल्कोहल यूज की वजह से, चाहे वो अक्यूट स्टेट में हो चाहे वो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो, उसमें अल्कोहलिक हैलुसिनोसिस जहां पर आपको चीजें दिखने लगती हैं, आपको कानों में आवाजें आने लगती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं. इसी तरह से अगर हम लोग आपका ओपियॉइड यूज की बात करें तो ओपियॉइड यूज से भी हमें इस तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, डिप्रेशन ये सब देखने को मिलता है. कैनाबिस यूज स्पेशली इंडिया में जैसे गांजा बहुत ही प्रेवलेंट है, गांजा का यूज, इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में हमें मेनिया का डिसऑर्डर देखने को मिलता है. मेनिया मतलब एक उत्तेजना की स्थिति रहती है बाइपोलर डिसऑर्डर में. बहुत सारे लोगों में साइकोसिस जहां पर उनको लोगों से बहुत पैरानोइया डेवलप हो जाता है, डर लगने लगता है, शक आने लगता है लोगों पे, लगने लगता है कि सब लोग उनके खिलाफ है. तो इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है. एंड द गुड थिंग इज कि जो भी इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स रहते हैं स्पेशली एज फार एज कैनाबिस इनटेक इज कंसर्न, तो जब आप सब्सटेंस लेना बंद कर देते हो तो ये वाले जो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये ऑटोमेटिकली दे रिजॉल्व आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. तो आई मीन ये एक अच्छी चीज है. बट अगेन बहुत सारे लोगों में जो लोग पहले से प्रीडिस्पोज हैं जेनेटिकली किसी भी साइकेट्रिक इलनेस से, तो अगर वो लोग जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली हिस्ट्री है बाइपोलर डिसऑर्डर की, नाउ इफ आई टेक ऑल दी सब्सटेंस तो मेरे में जो चीज दबी हुई थी वो अब बाहर निकल आई. तो उसकी वजह से अब प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि मैंने आई मीन दिस सब्सटेंस लेना मैंने बंद कर दिया बट स्टिल मेरी इलनेस कंटिन्यू भी हो सकती है. तो आई मीन देर आर टू टाइप्स, एक तो सब्सटेंस इंड्यूस्ड रहेगा और एक सब्सटेंस प्रेसिपिटेटेड रहेगा.
उस दोनों का प्रोग्नोसिस तो अलग अलग रहता है, बट ओवरऑल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, यू नो डिमेंशिया, ये सब प्रॉब्लम्स ये कॉज करता है लॉन्ग टर्म में. करेक्ट 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 ओके ऑल राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब की like does it matter what age the addiction starts, like koi agar bahut jaldi, like I know some friends who started drinking at the age of like 16-17, they're still drinking. They're not addicted but they like to drink, like you know roz pee rahe hain and to usse kuch farak padta hai kya, kya age hai ya? हाँ, सो जितने भी स्टडीज हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि दोज ऑफ देम जिन्होंने अर्ली ऑन अपनी लाइफ में अल्कोहल लेना या कोई और सब्सटेंस लेना स्टार्ट किया था, दे हैव अ हायर टेंडेंसी टू कंटिन्यू इट लेटर ऑन इन देयर लाइफ. और बहुत ही कम ऐसे एडल्ट्स, ऐसे लोग थे जिन्होंने अल्कोहल या सब्सटेंस लेना आई मीन अडल्टहुड में स्टार्ट किया. वो मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड अल्कोहल या सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर अर्ली ऑन इन देयर लाइक adolescence or teenage, right? So, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप वो वाला period cross कर ले जाते हो without taking any substance, तो there is a less likelihood कि आप आगे चल के वो चीज develop करोगे. Correct, correct. ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि बहुत नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए लड़के जुड़ रहे हैं, you know they're like teenagers, 17, 18, और मैं ये देखता हूँ डॉक्टर साहब ऑनेस्टली लाइक यू नो कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं पेशेंस लेवल बहुत कम है, चीजों से लड़ने के बहुत ही कम वो है, मतलब पेशेंस ही नहीं है. हम लोग कितना लाइक यू नो देयर्स बीन अ स्ट्रगल विद विद फैमिलीज, बट दीस गाइस आर लाइक नहीं हमें तो अभी चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर मोर ससेप्टेबल टू एडिक्शंस, सो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन. ओके, तो ये जो खाने का एडिक्शन होता है, बिंज ईटिंग, लाइक यू नो जब स्ट्रेस होते हैं तो बहुत लोग बिंज ईटिंग करते हैं, ये कुछ ऐसा है कि खाने को रिप्लेस किया जा सके? इज इट रिप्लेसेबल? लाइक व्हाई डू वी फील लाइक ईटिंग? लाइक सबके साथ होता है ये. सो बेसिकली इसमें एक्चुअली अगर हम लोग केमिकल लेवल पे बात करें तो एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज होता है जो शॉर्ट टर्म में तो हमारी एपेटाइट कम कर देता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी मुझे पता चलता है कि ओके मेरा रिजल्ट आया बहुत खराब था, तो ये अक्यूट स्ट्रेस था, तो इसमें जो केमिकल रिलीज होता है वो हमारी एपेटाइट को सप्रेस कर देता है. तो अभी हो सकता है आज के दिन मुझे खाने का बिल्कुल मन ना करे, मेरी एपेटाइट एकदम सप्रेस हो जाए. बट जब क्रॉनिक स्टेज में आप आते हो, जब ये आई मीन मेरा फॉर एग्जांपल आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, दिस इज अ काइंड ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, उस समय हमारी बॉडी में एक दूसरे तरह का केमिकल रिलीज होता है जो हमारी एपेटाइट को बढ़ाता है. तो उस केमिकल के रिलीज होने की वजह से हमारी एपेटाइट बढ़ी, और खाना खाने की वजह से हमारा जो जो सेंटर्स थे जो स्ट्रेस कॉज कर रहे थे वो सप्रेस हो जाते हैं, तो मोमेंटरली वी फील बेटर. इस वजह से हम लोग को लगता है कि हाँ ठीक है अभी बिंज ईट कर लिया, नाउ वी फील बेटर, अब हमें अच्छा लग रहा है. सो हेंस ये साइकिल फिर आगे प्रोग्रेस करती रहती है. Correct, correct. Okay, so the last question from my side, and then we can perhaps take a few questions from people who have called to join, is like thoda to lighten up the atmosphere. Ki, what are the most ridiculous substances that you've heard of that people are addicted to? Like, bahut hi zyada aisi bizarre si cheeze hain jinko log karte hain for dealing with stress. Okay, so one of the weird addictions I have heard about is Iodex ka. They used to apply Iodex right, on the bread. Right. And shoe polish ka. They used to apply shoe polish aur usko smell karne wala. And there are these you know pain gels. Iska they you know kind of inhale it. And one more quite interesting one is Vicks inhaler ka. So so they kind of get addicted to it. But yeah, I mean, जब तक वो आपको किसी तरह से physically या psychologically harm नहीं कर रहा है, तो it's absolutely fine. For example, if you're addicted to a particular perfume, so that's absolutely fine because it's not causing you any kind of physical, psychological, financial हो सकता है, but yeah, physical, psychological harm नहीं cause कर रहा है, so it's okay. Perfect, ठीक है. So मैं वही अभी इधर देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये दो चार सवाल हैं. वो पूछ रहे हैं कि चाय का एडिक्शन है इनको, बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, तो क्या उससे कैंसर हो सकता है क्या? नहीं नहीं, चाय के एडिक्शन से कैंसर तो नहीं होगा, बट उसकी वजह से आपको मेनली गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है. जैसे आपको एसिड रिफ्लक्स, रेट्रोस्ट, मतलब यहाँ पर आपको पेन होगा, आपको जलन महसूस होगी, आपको नौजिया, जी मचलाने जैसा फील हो सकता है. ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं. बाकी जो मिथ्स हैं कि उससे आप काले हो जाते हो, उससे कैंसर हो जाता है, दीज आर ऑल मिथ्स, देयर इज नो रियलिटी टू इट. बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर सो लाइक यू नो
एडवर्स फील लाइक यू नो के ब्राउन हो जाएंगे, थोड़े काले हो जाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी. मतलब यहाँ आके देखिए अमेरिका में पीपल गो आफ्टर पीपल हु आर लाइक यू नो अरे वाह ब्राउन पीपल इज लाइक इट्स सो एक्सोटिक लाइक यू नो दे गेट द टैनिंग डन एग्जैक्टली राइट. अच्छा सो डॉक्टर साहब जो ये एक सवाल है कि निकोटीन के पैचेस जो हैं वो इस्तेमाल करें अगर सिगरेट के उसके लिए तो उसका क्या फिर इफेक्ट रहेगा छोड़ने के लिए. ओके सो मतलब जब भी आप सिगरेट लाइक सिगरेट स्मोकिंग आप करते हो कंटिन्यूअस एडिक्शन आपका पोटेंशियल है उसके लिए तो डॉक्टर्स यूजुअली एडवाइज ईदर आपको निकोटीन गम्स आते हैं या फिर निकोटीन पैचेस आते हैं या फिर देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो आप ले सकते हो जो आपकी क्रेविंग को कम करते हैं. तो यूजुअली निकोटीन गम्स दिए जाते हैं बट अ लॉट ऑफ देम रिपोर्ट कि बहुत ही बिटर होता है उसको मतलब थोड़ा नौजिया उससे फील होता है तो कुछ लोग नहीं प्रेफर करते हैं. तो निकोटीन पैचेस उस हिसाब से थोड़े बेटर रहते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा एकदम हैंडी प्लास जैसे आता है उस तरह का यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर यू कंफर्टेबल विद एंड वो सस्टेन रिलीज करता रहता है आपके बॉडी में तो यू डोंट हैव डेवलप दोस विड्रॉल सिम्टम्स. बट ऐसा नहीं है कि आप उसको कंटिन्यूसली लेते रहोगे. जैसे आप सीन पीपल जैसे जो लोग निकोटीन गम्स खा रहे हैं वो सालों से निकोटीन गम्स पे ही हैं. बेसिकली इट इज अ इंटरमीडिएट स्टेप कि आप वो निकोटीन गम्स लो एंड देन आप उसको स्टॉप करो. ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाओ. सिमिलरली फॉर निकोटीन पैचेस बट ऑल दिस शुड बी ऑलवेज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर. अदरवाइज फिर आपको यू नो यू माइट डेवलप साइड इफेक्ट उसकी वजह से कुछ स्किन रिएक्शन हो सकता है या आपको उसका कितना डोज लेना है वो कितना बड़ा पैच आपके लिए होना चाहिए कितनी देर पे चेंज करना है तो ये सब हमेशा किसी डॉक्टर के परामर्श के बिना तो बिल्कुल भी नहीं लेना है. बट या डेफिनेटली निकोटीन पैच इज अ गुड ऑप्शन फॉर स्मोकिंग सेसेशन. परफेक्ट ठीक है. तो आप तो जितने क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं इधर वो तो ज्यादातर सबके सवाल सवाल के जवाब जो है डॉक्टर साहब दे चुकी हैं. तो किसी को पूछना है तो हाँ दक्ष हाथ खड़ा कर सकते हैं. दक्ष आप अपना सवाल पूछ लीजिए प्लीज. Good evening, ma'am. This may sound weird, but I've heard a lot of people who are kind of, they feel good when they smell sanitizer, petrol, and as you said, wakes kind of thing. I mean, it sounds funny sometimes, but what makes them feel good? ओके सो मैंने जैसे डिफरेंट क्लासेस ऑफ सब्सटेंस की बात करी है उसमें से आई डिडंट मेंशन अबाउट इनहेलेंस. तो इनहेलेंस एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर यू नो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट सॉल्वेंट्स जो ग्लू होते हैं जो थिनर होते हैं उनका भी लोगों में एडिक्शन होता है. जैसे स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो वाइटनर यूज करते हैं उसको यू नो या तो उसको स्मेल करते हैं या उसको या ग्लूज वगैरह को स्निफ करते हैं. तो सिमिलरली आप सैनिटाइजर्स की जब आप बात करते हैं तो सैनिटाइजर में अराउंड 70-90% ऑफ अल्कोहल रहता है. तो जब आप उसको स्निफ करते हो तो वो जो अल्कोहल रहता है फ्यूम्स के फॉर्म में आपको आता है एंड दैट मेक्स यू काइंड ऑफ हाई दैट मेक्स यू फील बेटर. बट अगेन इट इज वेरी डेंजरस वो आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लिए एंड आई मीन सॉरी नेजल म्यूकोजा के लिए बहुत डेंजरस रहता है. बट या सो दैट इज वाई मतलब उसमें और सबका अलग अलग रहता है इंग्रेडिएंट. अगर हम लोग पेट्रोल की बात करें तो उसका जो वेपर्स रहते हैं पेट्रोल के वेपर्स उसमें जो कंटेंट रहता है दैट इज डिफरेंट और बट उससे आपको एडिक्शन हो जाता है. सो दीज आर बेसिकली वोलेटाइल सब्सटेंस व्हिच कॉज एडिक्शन अगेन. करेक्ट राइट. एनीबडी एल्स who wants to ask questions? Shivam, आपका सवाल देखा मैंने. आपने मुझसे पूछा है, आपने पूछा है कि वो हुक्का का एडिशन क्या हो, शीशा का एडिशन जो होता है वो तंबाकू जैसा ही होता है, तंबाकू जैसा ही होता है. उसके बारे में डॉक्टर बात कर चुकी हैं. अच्छा डॉक्टर तेजस आप पूछना चाह रहे हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. गुड इवनिंग डॉक्टर पारुल. आई'd लाइक टू एक्सटेंड माय हार्टिएस्ट वेलकम टू all the information that you provided. I also appreciate how you mentioned that all of this de-addiction has to be done under expert supervision. एक चीज जो और mention करनी मुझे जरूरी लगी कि जो अक्सर लोग alcohol छुड़ाने के लिए बाबाज बैगाज के पास जाते हैं और उन लोग जो डाइसल्फाइराम यूज करते हैं वो जितना एक्सट्रीम रिएक्शंस शो करता है और जितना डेंजरस हो सकता है उस चीज को हमें एक्नॉलेज करना जरूरी है. उसके लिए अपने पास बेटर अल्टरनेटिव्स हैं जिसके थ्रू अल्कोहल का डी एडिक्शन किया जाता है. एब्सोल्युटली ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जैसे पेपर में एक एड रहेगा आपका कि एक गोली देके शराब छुड़वाएं
तो बेसिकली वो है आपका डाइसल्फिराम ही, बट उसकी वजह से दे डू नॉट नो द रिपरकशंस कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. पेशेंट अगर आगे लेने के साथ साथ अगर वो मेडिसिन ले लेगा तो उसका एडवर्स रिएक्शन होगा. तो इस तरह से नॉलेज देके आई मीन ऑफ कोर्स, तो इसलिए दैट इज व्हाई आई मीन यू शुड ऑलवेज गो टू अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल रादर देन बाबा ओझा या इस तरह के जो लोग. एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग ऑन टीवीज टू, जो बहुत रेप्यूटेड चैनल्स आपको डाइसल्फिराम के एड्स दिखा रहे हैं. Right. And that is something that has to be countered. Absolutely. Thanks for addressing my question. Thank you. Thank you, Dr. Tejas. Vedant, Rumi, ask your question. Vedant Mishra, you can ask your question. In that case, can I ask my question? Yes, yes, Nilaka, go ahead. Yeah, first, I would like to put forward Maran's question. Maran's question is, he was on HRT, and previous to HRT, he did not even like sugar in his milk. Now he has been becoming addicted to sugar. Why is that? Okay. So I don't know. I cannot give it an extreme detail about it. But yeah, right. As I said that during HRT, it is a transition phase. So what happens is the person is under a lot of stress. So that might be one of the factors that may contribute to increase in the sugar consumption. The other thing is progesterone, you know, whenever HRT is started. So there are a number of hormones which are introduced into your body. Some of them might lead to insulin resistance. इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है कि व्हाट हैपेंस इज दैट योर बॉडी काइंड ऑफ देयर इज अ डिरेंजमेंट इन योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड दैट हैज टू बी यू नो व्हाट डू वी से करेक्टेड और द बॉडी tries to correct it by ingesting more of sugar and hence the craving. So probably that might be an explanation, but I don't know. I'm not very sure about this. Okay, my second question, that is my question is, how is caffeine as in coffee or theobromine, are these lesser, are they also addictive, especially theobromine? Come again, I couldn't get the last part. Theobromine, that is in that's what's in chocolate or cocoa, right? Chocolate, something like that. Can that contribute to substance abuse? Okay, so caffeine is definitely addictive. Caffeine does cause addiction. If we talk about tea has various active components, be it theophylline. Actually, I'm not a tea drinker, I'm more a coffee drinker and a cold coffee drinker. Okay. So okay. I'm not a coffee drinker as per se. Mm-hmm. So, but cocoa per se is not addictive. It doesn't have any psychoactive potential. So yeah, it doesn't cause addiction as such. Perfect. So cocoa is a better alternative than coffee, would you say? But again, it has its own repercussions. For example, it has a very high caloric content, so it leads to weight gain, it leads to obesity, it leads to derangement in your sugar profile. So it has its own side effects. So I won't say that you should substitute your coffee with the chocolate, but yeah, dark chocolate does help, you know, when you are feeling kind of low, because it increases your brain serotonin level, but it should in no way be used as a substitute for your, you know, coffee addiction. But I would rather recommend, if at all, you know, you said that you're not a tea person, but I always advise people who are addicted to coffee to, you know, switch over to at least, you know, either chamomile tea or lemon tea or green tea. So that is a better option. Actually, it's not an addiction. I basically work the night shift. So I usually use coffee to keep awake. So it's not, it's a more a necessity than an addiction, or more addiction, I would say. It's like I work from 9 p.m. to 5 a.m. Right, Nilarka. So what you can do is you can actually switch from having those cups of coffee to chamomile, like Dr. Saab just said. Chamomile tea or green tea, that will also keep you awake, right, Dr. Saab? Yeah. Right. Okay, cool.
All right. Thank you, Nilaka, for all your questions. There's just one more question that I can see up I think Vani has asked. How can it affect a person when one is constantly reminded of the addiction? How it affects them? I didn't get the question as well. Vani, can you ask your question, please? It's not very clear what you're trying to ask. Hello, doctor. Yeah. Go ahead. I wanted to ask ki hamare aas paas aise log unintentionally or intentionally point out karte hain baar baar koi bhi addiction hai chahe hum sharab pee rahe hain ya koi bhi addiction hua koi substance hum log to wo kaise affect karta hai kisi insaan ko because maine dekha hai agar hum constantly point out karte hain kisi cheez ko jaise koi sharab pee raha hai usko hum uske वेलबींग के लिए उसको पॉइंट आउट करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम उसको एक लेवल अप ले जाते हैं कि हर दिन ही हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं राइट तो वो कैसे इफेक्ट करता है उसको कुछ मतलब इमोशनल इफेक्ट होता है उसका कोई सो जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनमें ये टेंडेंसी रहती है अपना ब्लेम दूसरों के ऊपर डालने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उनको बोलोगे कि आप अल्कोहल क्यों लेते हो तो वो बोलेंगे कि घर वालों ने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ ऐसी मजबूरी है कि मैं अल्कोहल लेता हूँ इस तरह से वो कुछ ना कुछ अपना जस्टिफिकेशन देते हैं तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इनको पॉइंट आउट करता है या रेगुलर बार 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 नाक करता है तो पहली बात तो वो लोग डिनायल में रहते हैं कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है ही नहीं सो इनकी टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा यू नो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन भी आ जाती है एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय अगर कोई उनका क्रिटिसाइज करता है चाहे वो मतलब भले ही इन द यू नो वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल हो बट स्टिल उनको कहीं ना कहीं ये इरिटेबिलिटी रहती है सो ऑफकोर्स ये किसी तरह से पॉजिटिवली तो हेल्प नहीं करता है एंड ऑफकोर्स अ पर्सन माइट बी गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ एन इमोशनल डिस्ट्रेस जिसकी वजह से ही माइट हैव रिजॉर्टेड टू सब्सटेंस यूज तो हो सकता है वो अपने कुछ इशूज डील कर रहा हो और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप उसको बार बार किसी तरह से यू नो आप उनको पोक करते हो तो वो चीज बैकफायर भी कर सकती है सो दैट्स व्हाई मतलब जो भी क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वही लोग अगर उनको सजेस्ट करते हैं कि यू नीड सम ट्रीटमेंट तब जाके वो इंसान प्रॉबेबली ट्रीटमेंट के लिए जाए अदरवाइज जब तक अंटिल अनलेस वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आता है तब तक ये लोग ट्रीटमेंट लेने नहीं आते हैं आई वॉन्टेड टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स का क्या रोल रहता है अगर कोई इससे बाहर निकलना चाहता है तो कितना मतलब हेल्पफुल हेल्प कर सकते हैं किसी को अलॉट एंड आई वुड से कि जितना निकलने में हेल्प करता है उससे ज्यादा अगर कोई इंसान सब्सटेंस ले रहा है और उसकी फैमिली का एज एन को डिपेंडेंस वाला बिहेवियर है कि ठीक है ले रहा है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इट्स ओके आई मीन चलता है वाला एटीट्यूड अगर है तो वो इंसान कभी भी उस एडिक्शन वाले साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएगा तो दैट इज वाई फैमिली को ये जागरूक होना कि ये एक प्रॉब्लम है इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है बहुत जरूरी है और उसकी इन आदतों को किसी तरह का जस्टिफिकेशन देना बिल्कुल गलत है सो दैट इज वाई फैमिली शुड बी सपोर्टिव इनफ कि वो अपने उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाए और घर में जो भी इश्यूज है उसको बैठ के सुलझाने की कोशिश करें रादर देन यू नो ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर वो इंसान किसी चीज के लिए अडिक्टेड हो जाए सो फैमिली का बहुत बड़ा रोल है और ऐसा भी देखने को मिला है कि जिनमें भी फैमिली सपोर्ट सिस्टम पुअर है उनमें अल्कोहल यूज या फॉर दैट मैटर एनी सब्सटेंस यूज वो ज्यादा होता है सो दैट्स व्हाई अ गुड सपोर्ट सिस्टम इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट राइट राइट ओके Vani, I hope your questions are answered. So I don't see any more questions, and I think that should be the end of it. And before we end it, a very big thank you to you, Dr. Saab. आप फिर से समय निकाल के जुड़ी मुझे पता है कि doctors का कितना busy रहता है. But thank you so much for taking time out and हमें PPT आपने दिखाया जिसमें काफी अच्छी information थी वो PPT भी आप लोगों को available रहेगी ये call जो है record हुई है पूरी और इसको जो है हम Facebook पे डालेंगे YouTube पे डालेंगे डॉक्टर साहब के पास भी रहेगी और after this call इस call के बाद जो हमारा Rainbow Alliance for Happiness group है उसमें मैं डॉक्टर साहब को add कर दूंगा और जिनको भी अब डॉक्टर साहब से आगे पर्सनल काउंसलिंग चाहिए लेना चाहते हैं वो सब लोग दे कैन गेट इन टच विद हर ऑन दैट नंबर वो मैं आपको अभी सर्कुलेट कर दूंगा फिर से सो दैट्स इट एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब
One last question. How can a certificate help me in, for say, in later, say, marriage to a in the marriage under Hindu marriage law? Right, Nilarka, before Dr. Saab says anything, this particular call was on de-addiction. Let me answer. Nilarka, are you part of the Happy Trans folks group? Are you part of Rainbow Alliance for Happiness? I'll get in touch with you. I'll answer all your questions in details. We'll talk for hours, okay? Yeah, but Dr. Saab is a busy person, Nilarka. She has to go, right? Telegram group. Absolutely. I'm the owner of that group. So I will get in touch with you. All right, buddy. Okay. Don't worry. My promise. I promise you, I'll get in touch with you and we'll have long chat. Okay. Yeah. I'll help you with everything. I'm a lawyer myself. Okay. Yeah. All right. Perfect. All right. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much for joining us again. And I will add you to the group and we'll just talk in a short while. Thank you very much, Dr. Saab. You can log off. Thank you so much, and thank you so much everyone for joining me. And I hope you have a very good Thursday. So enjoy and take care. Bye bye. Thank you. Yeah, bye. ओके सो आप में से जो लोग भी हैं ग्रुप के पार्ट हैं बहुत अच्छी बात है जो नहीं है टेलीग्राम पे प्लीज डाउनलोड देयर इज एन ऐप आईफोन पे या फिर एप्पल का जो है या फिर आपका पास एंड्रॉयड है उसमें आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम और उसमें मैं आपको एक सेकेंड ये स्क्रीन शेयर करके आपको सारी डिटेल्स देता हूँ ये देखिए अपनी स्क्रीन पे सामने देखिए आप जो आज की कॉल है जो रिकॉर्ड हो रही है ये आपको फेसबुक पे मिलेगी फेसबुक का हमारा जो एड्रेस है वो रहा सामने आपके आपके स्क्रीन पर www.facebook.com/thehappyfolks ओके इंस्टाग्राम पे हमारा आईडी है द हैप्पी ट्रांस फोक्स एज वेल एज दक्ष जो हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस ग्रुप को सफल बनाने में उनका अपना एक इंस्टाग्राम का पन्ना है फ्रीली ट्रैप्ड वो भी मेरे को डालना चाहिए था यहाँ पे बट मैं अभी राह पे डाल दूंगा और बाकी जो हमारा हैप्पी ट्रांसमैन वुमेन का ग्रुप है रेनबो अलायंस फॉर हेल्प का ग्रुप है उन सब के लिए डाउनलोड टेलीग्राम द आईडीज आर इन फ्रंट ऑफ यू अभी सांकृत दैट्स मी माय आईडी इज माय नेम अभी सांकृत इस प्रियंका अग्रवाल डेवलाई एकम ताओ दैट्स ताओ 09 दक्ष इज दक्ष 222 एंड ऑल्सो अगर ट्रांस वुमेन ग्रुप से जुड़ना है वो भी आईडी मैं यहाँ पे डालना भूल गया @CHICHI108 ये हैप्पी ट्रांस वुमेन ग्रुप के लिए है ये रिलेटिवली नया है तो मैं जरा डालना भूल जाता हूँ बट इनका मैं अगली बार से इंक्लूडेड रखूंगा इसके अंदर और आप सब ये कर सकते हैं सो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का कॉल पर जुड़ने के लिए और निलार का मैं आपसे एक्चुअली आई एम पार्ट ऑफ द हैप्पी ट्रांस वुमेन ग्रुप ओह आर यू ओह फैबुलस ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दैट Fabulous. So, आप चित्रांगदा से भी बात कर सकते हैं in that case. चित्रांगदा आपके ग्रुप की एडमिन हैं. Yeah. We do speak to her. Yeah. Awesome. Yeah. I'm really sorry if I misgendered you. I'm really sorry. But it's my mistake. Actually, I've not entered the correct. I've entered my dad name in a hurry. So. Right. Actually, I've called. Uma in that group. Oh, okay, so, okay. Okay, so I just right. entered my dead name in a hurry, so no issues. Okay, perfect. No, but I'm again sorry for calling you, buddy, but thank you. And I'll get in touch with you and we will talk in detail. Yeah. And you can always get in touch with Chitrangda as well. Yeah. All right. Thank you, everyone, for joining us tonight. Look out. Next call is on toxic relationships, which is very, very important topic, especially for people from our community. Hamari community ke logon ke liye bahut important topic hai, which is toxic relationships. Aur ispe call jo hai, wo October mein hai. और अगेन हमारे साथ एक काउंसलर जुड़ेंगी जो पीपीटी पे आपको इन्फॉर्मेशन देंगी और फिर हमारे सारे सवाल जवाब का जो है सेशन होगा सो धन्यवाद बहुत बहुत सब लोगों का जुड़ने का बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड सी यू गाइस लेटर सम टाइम बाय 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 एवरीवन बाय